यार मैं बहुत जल्दी आ गया, चलो यहाँ से निकलते हैं। मैं घुमाने की जगह ही नहीं है भाई, देखते हैं यार भगवान जाने जो भी होगा। वही देखो वाटरफॉल हो रहा है सामने, पानी गिर रहा है नीचे और बहुत हाइट पे आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है। बस पहुँच गए हम लोग बद्रा स्टैंड पर। अपना पैनियर भी टॉप बॉक्स भी लॉक कर दिए, चलो भाई ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या नज़ारा है। सही बता दूँ मज़ा आ गया, वैसे ये सब चीज़ें होती हैं पर कुछ पाने के लिए ना मेहनत तो करनी पड़ती है, स्ट्रगल भी करना पड़ता है। टेंपल शायद ऊपर है, नहीं यार ये कुछ और है, टेंपल शायद इसके ऊपर है उधर, यहाँ तक देख ले जहाँ तक जा सकते हैं। जय बद्रराज बाबा, जय बद्रराज जी कि जय हो। और भाई इससे ऊपर पहाड़ जा रहा है, आई थिंक यहाँ है इधर है, यार बाइक खड़ी है हमारी इधर, ये मैं जल्दी से देख लेता हूँ। बाइक यार थोड़ी हिम्मत हो, दिखा दो, ये ऑफ रोडिंग रोड है पूरा। भाई बजाज टेम्पल ये ऊपर, और फिर हमारी बाइक गिर गई यहाँ पर, अब क्या करें भाई, उठाऊँ कैसे इसे, अरे भाई उठाना पड़ेगा। माउंटेन भाई नज़ारे ही नज़ारे हैं भाई, यहाँ पर बद्रास टेम्पल आ गए हैं भाई हम लोग। और अभी ना थोड़ा हिम्मत दिखा लेती तो तुम भी आती यहाँ पर, इतनी हिम्मत दिखाई थी थोड़ी और दिखा लेती भाई, सच में स्वर्ग है यार, हेवन है बद्रा। देव ना है ताल, यहाँ ताल भी है भाई, देव ना है का। भाई अभी और भी ऊपर है, ओ भाई भाई ये सीन कभी नहीं दे सकता यार। तो भाई पहाड़ भी भाई कितना ऊंचा पहाड़ है यार, सीनरी व्यू है भाई सीनरी। पहाड़ की चोटी होना है, पीक ऑफ द माउंटेन है, वहां पे सोसन दिखाई दे रहा था। वहां पर पूरी ऑफ रोडिंग सी आ गई है,
और भाई गाड़ी ऐसी लो, गाड़ी कितनी छोटी क्यों ना हो पर आपके पैर पूरे पहुंचने चाहिए, क्योंकि एट द एंड चाहे कस्टमाइज करवा लो पर पैर जो होते हैं ना वो दोनों टच करने चाहिए आपके, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये रोड बन रही है लग रहा है, यार थोड़ी हिम्मत हो दिखा दो, ये ऑफ रोडिंग रोड है पूरा, बस पहुंच गया हम लोग बदला स्टैंड पर। ये पहाड़ काट के बनाया गया रोड में ऐसे मुझे लगता है यहाँ पर ना थोड़ा सा सीमेंट और होना चाहिए था, नहीं तो फिर और बढ़िया हो जाती रोड। तो बच गया आराम से, भाई आराम से इजी आराम से भाई। देखो वाटरफॉल हो रहा है सामने, पानी गिर रहा है नीचे और बहुत हाइट पे आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है। गाड़ी है ना भबक गई है, आराम से चलाऊँ थोड़ी देर गाड़ी आराम से, और ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी पत्थर पर। रोड बनना चाहिए भाई यहाँ की रोड का काम करना, परमानेंट सोल्यूशन करना चाहिए गवर्नमेंट का। पेड़ है बहुत सुंदर नज़ारा है, मुझे एक तरह की तपस्या सी लग रही है यहाँ पे आना। आराम से बस बस आराम से आ रहा हूँ भाई मैं, बस एग्जैक्टली आराम से आराम से आराम से बस ऐसे। गाड़ी भी आ सकती है फोर व्हीलर, सिंगल गियर पे चला रहा हूँ ना, धोखे से ना गियर बाबा शिफ्ट हो जाते हैं, पैर लग जाता गियर पे। और ये कहाँ पे टाइम चला भाई अभी तक आया क्यों नहीं, भाई भाई सुरक्षित भाई। ओ माय गॉड पहिया देखो ना कैसा उसका यार, यहाँ पर कोई डेंजर होती है भाई, सुरक्षित वो भी जमी पड़ी है, तो पहिया फट गया लग रहा है। आराम से रहेंगे आराम से आराम से आराम से, बारिश में ना लोड थोड़ी सी चिपकनी चिपकनी जाती है वैसे यहाँ पर यार, बहुत पहने मोड़ हैं यहाँ पर तीखे तीखे, और यहाँ पर चाय कॉफ़ी मिलती है, बाकी अभी कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर, बारिश में से कोई काफ़ी नहीं लोग आ रहा यार, मैं बहुत जल्दी आ गया।
चलो यहाँ से निकलते हैं। घुमाने की जगह ही नहीं है भाई, देखते हैं यार, भगवान जाने जो भी होगा देखा जाएगा। ये लॉक है, ये भी लॉक है, ये भी लॉक है, अब देखते हैं भाई क्या होता है। भगवान जाने भाई कैसे घूमेंगे। तो भाई बद्रीनाथ टेम्पल ऊपर से रोड क्या था, एक और यहाँ मेरा लगा था पर मुझे लग रहा गलत आ गया मैं भाई। क्या गंदगी लगा रखी यहाँ पर लोगों ने, यहाँ समझ नहीं आ रहा किधर जाऊँ। तो भाई मुझे लग रहा है गलत रास्ते से आ गया ऊपर, कोई नहीं यार। अब गाड़ी घुमाने का झंझट है बस। तो भैया देखिए आप लोग, मैं आ गया हूँ इतने ऊपर पहाड़ पर और यहाँ बताते हैं मेरा लगा हुआ था और भगवान जी हमें पता नहीं आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे, पता नहीं भाई, माफ़ करना कोई गलती हो गई हो तो। और बस अब यहाँ से अब कैसे जाएंगे आगे, तो जा नहीं सकते, गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है और यहाँ पर जो है मेला लगा था और ये रास्ता है भाई। अब इसे मोड़ाऊँगा कैसे, इतनी लंबी गाड़ी है। चलो पहले मैं सोचता हूँ पैनियर टॉप बॉक्स उतारता हूँ पहले, फिर कुछ करूँगा। सबसे पहले टॉप बॉक्स उतारूँगा देन कुछ करूँगा। अब यार ये भी हट गया, पहले इस पत्ती को लगा लूँ यहाँ पर, एक लग के अब इससे क्या, और एक लग गए इधर। तो लग जाओ यार, तुम मुझे कर रहे रही क्या, मुझे मत लो भाई, अकेला हूँ भाई इतने ऊपर। चलो भाई अब मेरे दिमाग में आ रहा है सेफ्टी यही है कि हम लोग, अब कुछ दिख तो रहा नहीं यहाँ पर, जैसे पहाड़ है पूरी खाई है इधर समझे, अब जी यहीं तक आए अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा मुझे इधर जाना है। तो भाई यही खाई है और भाई अब यहाँ देखो बाइक का सीन ये हो रखा है कि बाइक ये खड़ी है और ये पतली सी खड़ी है, तो इसको मोड़ के ले जाना है। अब कैसे होगा पता नहीं यार समझे। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ, आप लोग सीन देखो मेरा ठीक है भाई, इस जगह पर दिखेगा नहीं पता नहीं, एक मिनट ऐसे लगा देता हूँ फिर मैं ठीक है भाई। ऊपर वाले बचा लेना भाई, ये सीन समझ नहीं आ रहा मैं मोड़ में कैसे गाड़ी तेरी जान। वो भाई इधर बाइक घुमाएंगे और ये मोबाइल को किधर रखूँ, मोबाइल को इधर रख देता हूँ सबसे पहले, और भाई सब दिखाते रहना कुछ ऐसा। बाइक बनाने के लिए बहुत बड़ा बाइक है भाई,
कैसे घूमेगी, इसमें तो वही रोड नहीं है, ये जो कहते हैं वैसे ध्यान नहीं है।
हाय हाय भाई, देखो आधा घंटे से बाइक मोड़ते मोड़ते वहाँ पहुँचा पाया मैं। और ये मेरा पैनियर है और एक बसूड़ी हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जय बदराज देवता, मतलब ये तो नहीं है बस, मतलब देख के आता हूँ। फिर भाई बजाज टेम्पल ये ऊपर, और फिर हमारी बाइक गिर गई यहाँ पर। अब क्या करें भाई, उठाऊँ कैसे इसे? अरे भाई उठाना पड़ेगा। तो भाई ये हमारी बाइक गिर गई, उसको उठाऊँगा फिर ऊपर जाऊँगा। ठीक है जी, टूल किट बनाइए। अब इसमें क्या हुआ, एक बसूरी हमारी यहाँ साथ ये हो गई, दिखाता हूँ। पहले सामान निकाल लेते हैं इसमें से। तो ये टूल किट है भाई हमारा, ये सामान है। और हमारे क्या हुआ है, कुछ नट गिर गया जैसे, एक नट मिला हो गया तो वो कसना जरूरी है कि लेग गार्ड है भाई, ये पूरा जाएगा। देखो भाई दिखाता हूँ, ये देखो, ये सीन हो गया। एक नट जो था कहाँ गया, नीचे गई है, कहाँ गया। हाँ देखो ये वाला नट बचा, ये वाला नट निकल गया, ये वाला नट नीचे का, ये वाला गिर गया। तो यह नट लगाते हो और इसको नट को टाइट करते हैं। ठीक है भाई, भाई हालत ख़राब हो गई है। बदराज टेम्पल में आई, और टेम्पल अभी तक पहुँचे भी नहीं हो, यहाँ से रास्ता बंद हो गया था। तो अभी ये करके आपको मिलते हैं। ठीक है भाई,
भाई हमने कस दिया बहुत सही से, अब ये हिल नहीं रहा है, ना हिल लाता है। ठीक है तो भाई नटट तो घी ढीले होते ही रहते हैं। अब ये भाई हमारा पैनिया नहीं लगा दिया मैंने भाई, टूल बॉक्स में हमारी भाई सही कर दिया काम, अभी नीचे के भी नट गिर जाते हैं डर के। चलो भाई अब हम लोग यार मैं रेडी हो गया हूँ, अब निकलता हूँ यहाँ से। और भाई चलो बाइक हमने यहाँ पे लॉक करके खड़ी कर दी है, और यहाँ पे लिखा है जय भद्राज देवता, यहाँ पर दो पहिया वाहन व चार पहिया वाहन खड़ा करना सख्त मना है। और हमने यहाँ पर अपना पैनियर भी टॉप बॉक्स भी लॉक कर दिया है। चलो भाई ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या नज़ारा है। ओ भाई सही बता दूँ मज़ा आ गया, वैसे ये सब चीज़ें होती हैं पर कुछ पाने के लिए ना मेहनत तो करनी पड़ती है, स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो फाइनली हम बतास टेंपल की चढ़ाई गए, और पता नहीं टेंपल किधर है, वो भी बाइक है हमारी अभी, तो ध्यान देना जहाँ तक जा सकते हैं अकेले जाऊँगा। और आई थिंक टेंपल शायद ऊपर है, नहीं यार ये कुछ और है, टेंपल शायद इसके ऊपर है उधर। और ये बाइक हमारी इधर खड़ी है, अब बाइक ला तो सकता हूँ मैं, पर यहाँ तक देख ले जहाँ तक जा सकते हैं। जय भद्राज बाबा, जय भद्राज जी की जय हो। और भाई इससे ऊपर पहाड़ जा रहा है, आई थिंक यहाँ है इधर है यार, बाइक खड़ी है हमारी इधर, ये वजह से देख लेता हूँ किधर है टेंपल। बाइक नीचे खड़ी कर दी, तो बॉक्स लगाया उसमें, आई थिंक इसके ऊपर होगा टेंपल, इसके ऊपर। और नीचे बाइक खड़ी है, और शायद ये रास्ता जा रहा ऊपर। अब बाबा जी आज के लिए बस इतना ही, मैं आपकी ज़मीन चूम लेता हूँ बाबा जी यहाँ से। और जय भद्राज बाबा की, जय भद्राज बाबा की, अभी मैं तो भाई ये पूरा व्यू है यहाँ का नज़ारा है। और अब हम नीचे बाइक की तरफ चलते हैं अपने, अब इससे आगे बाइक भी नहीं दिख रही है, और मुझे पता नहीं कितना ऊपर जाना, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। और देखो यहाँ पे धुंध उड़ रही है, कैसे देख रहे हैं आप, और इतना ऊपर आ गए हैं, बहुत ऊपर है हाइट। तो भाई वो बाइक खड़ी है हमारी सामने, टॉप बॉक्स लगाया उधर, और भाई ऐसी रोड मैंने आज तक नहीं देखी। हमारा ना जूता, ये देखो यहाँ से उतर गया, देख रहे हैं आप जूते का, ये रेन कवर लाए थे ऊपर, यहाँ से इसकी पन्नी पट गई है। यही होता है भैया ये पहाड़ों पर जाओ, देखो पहाड़ों पर ये एक्सपीरियंस्ड है, और ये आपको करना चाहिए एक बार जीवन में, समझे, क्योंकि यही सब चीज़ें हमें सिखाती हैं और हमें बताती हैं कि अभी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ठीक है मोबाइल लगा देता हूँ बाइक पर, बाइक हमारी एक नंबर लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है बाइक हमारी, और इसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मदद किया है। और अपनी बाइक जिंदाबाद वैन जी, लव यू। चलो अब इसको लगाते हैं और चलते हैं यहाँ से, और ये सामने से लोग देख लो बाइक का हमारा एक नंबर, इतने ऊपर आ गई है अभी तक परफेक्ट, बस लेग गार्ड के पेच ढीले हो गए थे वो मैंने कस दिए, क्योंकि टू बॉक्स लाया था मैं, बस टू किल लाया था। ठीक है तो चलो भाई चलते हैं और नीचे मिलते हैं यहाँ पर, और चलते हुए चलते हैं, कुछ होगा ये आपको दिखाते हुए चलते हैं, जो भी कुछ है दिखेगा। ठीक है चलो भाई, और होटल के भी लेट हो गए, हमें होटल 11 बजे चेकआउट करना था। चलो अब देखते हैं, 11 तो बज गया, जो देखें क्या बोलता है वो। चलो ठीक है, ओके।